Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. जल्दी से जाओ guys, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो. आज की guys लाइक एम रखते हैं अपन, सिर्फ 10,000 लाइक का छोटा सा एम है यार, कंप्लीट करवा देना बस आप लोग. तो गाइज, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा, आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जो FIB है ना, उसने अपनी सारी चीजों को भाई अपने से हड़प लिया है, पुलिस वालों ने हड़प लिया है. और गाइज, FIB जो है ना, वो माइकल की हर एक चीज, घर, गाड़ियों, सबको ना एक एक करके ऑक्शन कर करके बेच रही है. तो लास्ट टाइम अपने ऑक्शन हो रही थी अपनी बुगाटी अटलांटिक की, सारे के सारे बंदे बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स लगा रहे थे. बट गाइज, पता नहीं गाइज, ये बुढ़ा के यहाँ से निकल के आ गया. इसने गाइज $60 million की बेट लगा दी उस गाड़ी के ऊपर, और आराम से उसने FIB से पेपर लिए और ये गाड़ी लेकर निकल गया. बट मेरे से रहा नहीं गया, मैं ना गाइज उस बुढ़े के पीछे लग गया. अपनी गाड़ी तो गाइज मैं कैसे भी करके छीन के ही रहूंगा, अपनी गाड़ी कैसे छोड़ू भाई. तो मैंने इसको भाई इसका बहुत टाइम पीछा किया, और पीछा करते करते मैंने आखिरकार इसको पकड़ ही लिया. और उसके बाद गाइज मैं बाहर निकला, मैंने इसको बहुत ज्यादा पेला और इसको बहुत ज्यादा कूटने की कोशिश करी. उसके बाद गाइज मैंने इसको मार मार के ना अपने कंधे पे उठा लिया, ताकि मैं इसको भाई कहीं ना कहीं दफन कर पाऊं. क्योंकि अगर FIB को पता चल गया ना कि ये सब माइकल ने करा है, कि मतलब भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. तो मैं पहुंच गया था ग्रेवयार्ड, और इसको भाई ग्रेवयार्ड पे ना आज के आज मुझे कैसे भी करके दफनाना है, क्योंकि मैंने इसको खत्म तो कर ही दिया. उसके बाद मैंने इसको बाहर निकाला, इसके अंदर डाला, देन उसके बाद मैं भाई मिट्टी का इंतजाम करके मैंने पूरे मिट्टी से इसको कवर कर दिया. बट गाइस, उस टाइम पे अपने साथ एक प्रॉब्लम हो गई. एक रिपोर्टर पता नहीं कहां से कब से अपना पीछे कर रहा था, उसने ये सारा सीन रिकॉर्ड कर लिया जब मैंने उसको मारा और जब मैंने इसको ग्रेवयार्ड फेंका. गाइस, उसके बाद ना भाई ये रिपोर्टर बोल रहा है कि या तो मुझे ये $100 million ला के दो, नहीं तो मैं ये जो रिकॉर्डिंग मैंने करी है ना, मैं पूरे के पूरे लॉस सेंटोस न्यूज में चला दूंगा, और उसके बाद पूरा का पूरा लॉस सेंटोस तुमको मारने के लिए दौड़ेगा. गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये वाली न्यूज ना अपने घर वालों को भी पता चल जाएगी, और घर वालों को अगर पता चला ना, तो भाई वो कभी भी लौट के माइकल के पास नहीं आएंगे. तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा या इसको $100 million कहां से ला के दो, और इसने हमको गाइस सिर्फ 5 दिन का ही टाइम दिया है यार. और 5 दिन में ना गाइस, कैसे भी करके मुझे कहीं से भी इस बंदे को $100 million देने है यार. भाई साहब, अभी मुझे गाइस ये समझ में नहीं आ रहा, अभी हमको करना क्या चाहिए. वो बंदा तो भाई हमें गंदा ही धमकी देके चला गया है, और बोल रहा है कि भाई $100 million ला के दे, नहीं तो भाई तेरी वीडियो पूरी हर जगह पे पूरे लॉस सैंटोस में फैला दूंगा. गाइस, अभी करना क्या चाहिए. वेट भाई, ये तो वही बंदा है, और ये अभी क्या करने आया. मुझे लग रहा गाइस ये पता नहीं भाई ये बात करनी है, चलो इससे बात करते हैं. भाई ये क्या आदमी है भाई, अभी ये सारा इंसिडेंट हुए 1 घंटा नहीं हुआ, बंदा ना बार बार भाई मुझे धमकियां दे रहा है कि तेरी वीडियो अभी वायरल करूं, अपने दोस्तों को बोलूं तेरी वीडियो पूरे न्यूज चैनल पे दिखा दें. गाइस यार, ये बंदा सच्ची में अभी मेरे हाथों ना गंदा ही पिटने वाला है. बट भाई, इस बंदे के पास अपनी वीडियो है जिसपे हमने उस बंदे को मारा था, उस बुढ़े को मारा था. और चलो ये बात अच्छी है कि अपनी बुगाटी अटलांटिक अभी सेफ है, जो मैंने फ्रैंकलिन के हाथों भिजवा दी थी. भाई अभी ना गाइज ये बार बार मुझे धमकियां दे रहा है, मन तो कर रहा है इसको गाड़ी के नीचे दे दूं. एक तो अपने पास वेपन्स भी. तो गाइज ये बंदा कह रहा है 5 दिन याद है ना. भाई मुझे सच्ची में इतना गुस्सा आ रहा है ना गाइज, एक निकाल के मुंह पे फेंकूं, क्योंकि गाइज अभी 1 घंटा नहीं हुआ, और इस बंदा भाई बार बार तंग कर रहा है 5-5 दिखा के. भाई ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं गाइज, आज का अपने पास दिन, मतलब आज का दिन ये काउंट नहीं कर रहा है. तो ये कह रहा है मैं तुझे आज का दिन छोड़ देता हूँ, कल सुबह से तुम्हारे 5 दिन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे. और भाई गाइज यार, मुझे लग रहा है ना ये ऐसे ही बहुत सारे बंदों को ब्लैकमेल करता होगा. बंदे के पास बुगाटी डीवो है भाई, जो किसी टाइम पे मेरे पास भी हुआ करती थी, कहीं मेरी ही तो नहीं है. पर नहीं 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 नहीं, अपनी बुगाटी डीवो तो भाई कोई और कलर की है, और इसके पास कोई और कलर किया, और ये भाई नहीं अपनी नहीं है गाइस. बहुत बंदों को ना ऐसे ही टॉर्चर करता होगा और उनसे पैसे निकलवाता होगा. चलो छोड़ो यार गाइस, अभी हमें क्या लेना देना भाई, इस बंदे को मुझे खत्म तो करना है. क्योंकि गाइस अगर मैंने आज इसको पैसे दे दिए ना, तो ये कल को कभी भी मेरा पीछा करता रहेगा और मेरे खिलाफ ऐसी वीडियोस बना के मुझे धमकियां देता रहेगा. तो एक बार तो भाई मैं लेस्टर से बात करके इसको पैसों का जुगाड़ करना चाहिए, नहीं वो लेस्टर ही बताएगा. एक बार इसके लिए कुछ करते हैं, उसके बाद भाई इसको खत्म तो करना ही पड़ेगा. चलो यार गाइस, अभी रात बहुत हो चुकी है, फटाफट से घर पे चलते हैं, सोते हैं. भाई सुबह फिर अपने और भी बहुत सारे काम है, और इसको पैसों का जुगाड़ कहाँ से करके देना है वो भी लेस्टर से बात करने के लिए जाना. तो चलो यार गाइस, अब मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ अपने घर की तरफ. ऑलराइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइस पहुंचने वाला हूँ अपने घर पे. और अभी बस एक ही बात की टेंशन है, वेट यहाँ पे कुछ अटैक कर रहा है भाई ये बंदा.
भाई साहब ये बंदे के पास आरपीजी और ये लॉस गैंग का ही बंदा है। भाई साहब छोड़ो यार, अपन को क्या लेना, इस घर वाले ने कुछ जोल वोल किया होगा इनके साथ, छोड़ो यार हमें क्या ही लेना देना। चलो ठीक है गाइज, मैं अभी अपने घर पे आ चुका हूँ, अपनी गाड़ी को बना पहले यहाँ पे पार्क लगाते हैं और अंदर जाके सोते हैं। अपनी फैमिली भी भाई एक तो अपने पास नहीं है, मतलब अपने साथ नहीं रहती, इसीलिए भाई खाना वाना भी खुद ही पका के खाना पड़ता है। और ये बंदा भाई आखिरकार कर क्या रहा है भाई, पूरा घर ही उड़ाएगा क्या? चलो छोड़ो यार हमें क्या ही लेना देना। बाकी गाइज मैं अपने घर पर आ चुका हूँ, चलो गाइज अभी खाना वाना खाते हैं फटाफट से, उसके बाद भाई देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिल जाए फ्रिज में से। ऑलराइट गाइज, भाई यहाँ पे तो एक बर्गर पड़ा है, बाकी सारा सामान देख रहे हो पड़ा यहाँ पे सड़ चुका है भाई सारा सामान, बाकी एक बर्गर पड़ा है, बर्गर हमने पूरा खा लिया। और बाहर भाई गोलियां चलने की कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है, आखिरकार हो क्या रहा है बाहर भाई? वेट, पुलिस! अबे पुलिस का क्या सीन है भाई? गाइज ये पुलिस का क्या सीन है भाई? कहीं मेरे घर पे पर नहीं, नहीं गाइज यार ये मेरे घर पे तो नहीं आई भाई पुलिस। भाई मुझे लगा वो हमने वो बंदे को मारा तो पुलिस अपने घर पे आ गई, बट नहीं नहीं नहीं, नहीं पुलिस भाई कुछ और कर रही है यहाँ पे, क्या ही सीन हो रहा है। वेट यार ये हो क्या रहा है आखिरकार, कहीं पुलिस उसी बंदे को तो नहीं पकड़ने आई जो यहाँ पे आरपीजी चला रहा था? हाँ गाइज उसी बंदे को पकड़ने आई आई थिंक पुलिस यार, हो रहा वो बंदा और वो भी पुलिस वालों से लड़ रहा है आरपीजी चला के। भाई छोड़ो यार हमें क्या ही लेना, अपना अंदर घुसते हैं भाई, बहुत शोर है भाई बाहर तो। चलो ठीक है गाइज यार अभी हम अंदर आ चुके हैं, बाहर पता नहीं क्या चल रहा है यार, हमें क्या लेना देना। बाकी भाई सबसे बड़ी बात कि अपनी फैमिली ही अपने पास नहीं है तो सारा कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। चलो गाइज यार अभी कपड़े वपड़े उतारते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं भाई जल्दी, फिर करते हैं कुछ ना कुछ काम भाई अभी जो पैसों का जुगाड़ करना है। चलो यार गाइज सोते हैं फिर फटाफट से अपने रूम में जाके। ऑल राइट गाइज, गुड मॉर्निंग यार, भाई सुबह हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं कुछ आज 8 बज गए भाई, जो ज़्यादा ही लेट हो गया यार उठने में। अभी तो नहाना धोना है भाई, कुछ ना कुछ करेंगे ठीक है भाई, बाकी सब कुछ बाहर तो भाई आज मौसम ना कुछ ज़्यादा ही मस्त निकला हुआ है। अब ये कौन आया भाई सुबह, अब ये क्या बवाल है भाई, ये हॉर्न मार रहा है, चुप रहे ना भाई, हॉर्न मत कर भैंस की तेरी। अब ये कौन है भाई, रुको यार इससे अभी बात करनी पड़ेगी। अब ये सुबह कौन आ गया, क्या ही नई नई चीज़ें हो रही है यार। एक तो ना भाई पता नहीं यार कौन थी मुंह उठा के अपने घर पे आ जाता है यार, कोई भी आ जाता है यार। चलो गाइज इससे अभी बात करते हैं, अब ये क्या नया बवाल है यार। चलो गाइज ये रहा वो बंदा, चलो एक बार इससे बात करते हैं। ऑल राइट गाइज मेरी जो है ना भाई इस बंदे से बात हो चुकी है और ये बंदा बोल रहा है कि माइकल तू भूल गया था, हमारे बॉस ने तेरे को दो काम दिए थे, एक तो वेगास गैंग के लीडर को पकड़ के लेके आना, दूसरा काम लॉस गैंग के अड्डे पे जाके सारे लॉस गैंग के अड्डों को खत्म करना, मतलब लॉस गैंग जहां से पैदा होती है, जहां पे मतलब लॉस गैंग को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां के सारे अड्डों को खत्म करना है तुझे। गाइस यार ये बात मैं कैसे भूल गया, और इस चीज को करने के लिए उस बंदे ने हमको 3 दिन का टाइम दिया था और ये बोल रहा है ये वो तीसरा दिन आज ही, अगर मैंने आज में उसको नहीं मारा ना तो भाई गलत सीन हो जाएगा। गाइस ये बंदा बोल रहा है कि आज तुम्हारे पास लास्ट दिन है, अगर तुमने वो वाला काम नहीं किया तो सारी बेलास गैंग इकट्ठी होकर फिर तुम्हारे पीछे लग जाएगी। और गाइस एक और नई चीज, अब एक और नया बवाल है, ये बंदा कह रहा है कि पता नहीं लॉस गैंग को किसने बताया कि आज या कल में उनके ऊपर अटैक होने वाला है, और उन्होंने लिबर्टी सिटी में अपना एक कार्गो प्लेन भेजा, ठीक है कार्गो प्लेन में लिबर्टी सिटी से वेपन्स इंपोर्ट करवा रहे हैं, और वो जो कार्गो प्लेन है ना वो लिबर्टी सिटी से आ ही रहा है, और वो अभी जस्ट 1 या 2 घंटे में लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे लैंड होने वाला है, तो तुमको उसको पहले ही उसको कैसे भी करके हाईजैक करना पड़ेगा, और जो सारे वेपन्स या तो तुम हमें ला के दो या फिर वो सारे वेपन्स तुम वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दो। अगर वो वेपन्स सारे के सारे लॉस गैंग के हाथ लग गए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तुम कभी भी उनको ख़त्म नहीं कर पाओगे, तुम क्या हम भी उनको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो वेपन्स है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल मंगवाए हैं। तो ये बंदा बोल भाई एक बात सुनियो, मेरे पास तो वेपन्स ही नहीं है यार, अब मैं क्या करूं? तो गाइज ये बंदा बोल रहा है कि तू कोई बात नहीं वेपन्स की टेंशन मत लो, हमारे सीक्रेट बेसिस में हमने बहुत सारे वेपन्स रखे हुए हैं, तो तुम एक काम करो अपनी गाड़ी लेके आओ और फटाफट से मेरे साथ चलो। अबे रुक ना रुक भाई, मुझे नहाना धोना है भाई, कपड़े पहने नंगा ही चलूं क्या? रुक जा भाई 2 मिनट वेट करनी पड़ेगी तेरे को। तो चलो यार गाइज अभी ना यार पहले नहा लेते हैं, देन उसके बाद ना फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, खाना वाना छोड़ो यार आज तो भाई एक और ही नया बवाल है, उस बंदे को $100 million भी देने हैं, और इधर से एक और बड़ा काम, भाई मैं कैसे भूल गया यार, मैंने इतना टाइम क्यों ले लिया।
मुझे ये काम तो भाई उसी दिन करके देना चाहिए था यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार ये वाली तो। चलो ठीक है गाइस, नहाना धोना हो गया, फटाफट से कपड़े पहनते हैं और अपनी लैम्बोर्गिनी शियान को उठाते हैं, देन उसके बाद इस बंदे के पीछे चलते हैं, अपन को ये वेपन्स दे देगा यार। ऑल राइट गाइस, कपड़े वपड़े हमने पूरे पहन लिए, और बताना जरूर कमेंट करके गाइस ये माइकल के ये वाले कपड़े आप लोगों को कैसे लगे। चलो ठीक है गाइस, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी फटाफट से उसी बंदे के पीछे चलते हैं, अपनी लैम्बोर्गिनी शियान को उठाते हैं और उस बंदे के पीछे चलते हैं। अभी पता नहीं भाई वो बंदा हमें कहाँ लेके जाएगा, और इनके पास भी वेपन्स हैं, वो भी भाई पता चल जाएगा यार कहाँ इन्होंने वेपन अपने स्टोर करके रखे हुए हैं। और ये बंदा भाई ये बेलास गैंग इतनी डर गई भाई, मुझे लग रहा है ना गाइस वो लॉस गैंग ने कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े वेपन मंगवाए होंगे, तभी तो भाई ये बेलास गैंग इतनी ज्यादा डर रही है, नहीं तो भाई ये बेलास गैंग ने इतनी बड़ी है ना ये किसी से नहीं डरती। बट भाई पता नहीं भाई ये वेपन्स का नाम सुन के कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं, और ये बंदा मेरे घर तक आया भाई मुझे बुलाने। चलो ठीक है गाइस, इस बंदे को फॉलो करते हैं, कहाँ लेके चलता है। ओके ओके, मैं थोड़ा गलत आ गया, अभी मुझे इस बंदे को फॉलो करना है और कहाँ ये मुझे लेके जाता है और कहाँ से मुझे ये वेपन्स लेके देगा। तो चलो यार गाइस करते हैं भाई इसका पीछा, फिर पहुंचते हैं इसकी दी हुई लोकेशन पे। टाइम है गाइस उनको शाउट आउट देने का जिन्होंने लास्ट वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट करे थे। थर्ड नंबर पे है भारत गुरशल भाई, जिन्होंने थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा कमेंट करे थे। सेकंड नंबर पे है गेमर्स इंडिया ऑफिशियल, जिन्होंने भाई साहब सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कमेंट करे थे। फर्स्ट नंबर पे बीस्ट रॉय शॉट, जिन्होंने भाई साहब फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा कमेंट करे थे। गाइस आप लोग भी ऐसे ही कमेंट करते जाओ, आप लोग को मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है प्यारा सा शाउट आउट। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते और उसको फॉलो करते करते ना गाइस काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ भाई। आखिरकार ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा दूर है रास्ता। वेट, ओके ओके, ये यहाँ से नीचे उतार रहा है भाई, इसको ही मुझे फॉलो करना है क्योंकि मुझे इनका रास्ते ही नहीं समझ में आ रहे। एक तो बंदा ना जानबूझ के भाई बहुत सारी गलियों गलियों में से लेके आए ताकि भाई ये वाली जगह ना हमको कभी याद ही ना रह पाए। पर कोई बात नहीं भाई, हमको याद करके करना भी क्या, तुम्हारा आज लास्ट काम कर दूंगा क्योंकि ये भी लेसर ने बोला था कि तुम कर दो बस इनका काम, लास्ट काम करने के बाद भाई उसके बाद तुम लोग को मुंह भी नहीं लगाऊंगा। चलो ठीक है गाइस, वेट भाई यहाँ पे बेलास गैंग के बंदे खड़े हैं और ये कैसी सी जगह पे खड़े हैं भाई, अबे आ जाना भाई क्या कर रहा है। चलो ठीक है गाइस, भी फटाफट से इस बंदे को ना भाई पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं। अबे ये गाइस ये कह रहा है कि सीधा अंदर चलो, ओके, बट यहाँ पे तो भाई कुछ है ही नहीं अंदर जाने के लिए, क्या करना क्या है। ओ भाई ऑटोमेटिक डोर लगा रखा है भाई, कैसी सी जगह पे बंकर बना रखा है, ये लग तो ऐसे ही रहा है पर इसमें है तो कुछ है नहीं भाई, वेपन्स कहाँ से देगा। ओके ये उंगली करके दिखा रहा है कि भाई इधर जाना है। ओके ओके ओके, अंदर जाने का भी रास्ता है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई साहब बंकर बना के किसी के रहने की पूरी जगह बना रखी है भाई यहाँ पे, तो कपड़े वपड़े टांग रखे हैं और किचन बना रखा है भाई पूरा। चलो ठीक है गाइस, बढ़िया बन रखी है यार ये जगह। ऑल राइट, यहाँ पे है एक बेडरूम और इधर जाके क्या होगा, ओ ओके ओके, बाथरूम बाथरूम भाई, बाथरूम में हमें क्या करना है। चलो ठीक है, यहाँ पे बेडरूम हो गया, यहाँ पे किचन हो गया, बट भाई हम यहाँ पे आखिरकार करने क्या आए हैं। ओके ये बंदा बोल रहा है इधर चलो, किधर, वेट, ओ भैंस की गाइस, ये क्या क्या डोर है ये भाई, पूरा का पूरा सीक्रेट डोर है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है इनका। गाइस वेपन देख रहे हो भाई, और पूरा लॉस सैंटोस का मैप है यहाँ पे, ये यहीं से ऑपरेट करते हैं कि कहाँ कैसे बंदे को कैसे करके पकड़ना है, कैसे अटैक करना है उनके ऊपर, यहीं से करते हैं। यहाँ पे पूरे इनके लैपटॉप वगैरह भी पड़े हैं। ऑल राइट गाइज, ये बोल रहा है कि यहाँ पे इनके आर्मर वगैरह पड़े हैं, तो आर्मर तो हमको पहनना ही है। चलो ठीक है गाइज, पहले फटाफट से ना एक आर्मर पहनते हैं। ओके आर्मर पहन लिया है, अभी गन्स वंस ना यहाँ से उठाते हैं, देखते हैं भाई कौन कौन सी गन्स है इनके पास। गाइज इनके पास ना भाई बहुत तरह की गन्स है, मुझे इन्होंने भाई बड़े बड़े आरपीजी वगैरह भी दे दिए, ग्रेनेड वगैरह भी दे दिया, पिस्टल, माइक्रो एसएमजी, ये थोड़े राइफल वगैरह, स्नाइपर और शॉटगन, मतलब हर तरह के इन्होंने हमें वेपन्स दे दिए पूरे हर तरह के। तो अभी ये बंदा बोल रहा है अभी खुश है ना भाई, अभी वेपन्स की कमी तो नहीं होगी। भाई बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली अब तो वेपन्स की। चलो ठीक है गाइज, ये बंदा बोल रहा है अभी तुम जाओ यहाँ से, हम तो भाई यहाँ पे अपना इंजॉयमेंट करने वाले हैं। ओ रास्ता रास्ता इधर से नहीं है भाई, रुको रुको रुको। चलो गाइज इन सब का काम खत्म हो गया, अभी भाई देख रहे हो भाई कितने हरामी है ये लोग, ये नहीं है कि भाई एक दो बंदे अपने साथ आ जाए अपनी हेल्प करने के लिए, बट नहीं, जो करेगा माइकल अकेले ही करेगा। चलो यार लेस्टर ने बोला था भाई करना तो पड़ेगा ही, फटाफट से पहले तो भाई ये जो बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे वेपन्स आ रहे हैं लिबर्टी सिटी से, पहले उनको पकड़ना है, देन उसके बाद उनको मतलब डिस्ट्रॉय करना है वेपन्स को,
उसके बाद हमें एक लॉस गैंग के अड्डों को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना है। भाई ये काम इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है यार, अकेला कैसे करूंगा भाई। चलो यार ठीक है गाइस, अभी अपनी गाड़ी भगाता हूं और फटाफट से भाई पहले तो लेस्टर के पास चलते हैं, उसके बाद भाई पहले प्लान करते हैं लेस्टर से आखिरकार करना क्या है और कैसे करना है। चलो गाइस चलते हैं फिर लेस्टर के घर की तरफ। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के घर पे, और क्या ही भाई गलती बची अपनी गाड़ी। चलो ठीक है छोड़ो यार इन चीजों को भाई, अभी लेस्टर से ही बात करनी पड़ेगी, अपने ऊपर बहुत बड़ा पंगा हो रखा है भाई। बेलास गैंग ने धमकी दे दी, अगर आज के दिन ये सारा काम ना हुआ ना तो भाई बस बच के रहना तुम, बेलास गैंग तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेगी। मैं भाई लेस्टर भी अभी मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाया, क्योंकि लेस्टर ने ही लास्ट टाइम हमको बोला था कि बेलास गैंग का ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेलास गैंग का बॉस है ना वो लेस्टर का बहुत अच्छा फ्रेंड है और लेस्टर भी भाई उसका साथ दे रहा है। चलो ठीक है गाइस, अभी फटाफट से चलते हैं भाई लेस्टर के पास और बात करते हैं लेस्टर से। ऑल राइट गाइस, मैं पहुंच चुका हूं लेस्टर के पास, अभी सारी बात कर रहे हैं अपन लेस्टर से, और भाई जैस लेस्टर भी जो है ना भाई अभी भी उसी बंदे का साथ दे रहा है। लेस्टर कह रहा है कि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है माइकल, तुमने पंगे लिए हैं उनसे पर ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। बट मैं गाइस फिर भी यार इससे यही बात कर रहा हूँ, चल तू ठीक है मैं काम करने से पीछे नहीं हट रहा, बट तुम भाई मेरी थोड़ी सी तो हेल्प करो ना यार, बताओ तुम हमें क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। तो बाकी लेस्टर बोल रहा है कि अगर तुमको वो कार्गो प्लेन को क्रैश करवाना है ना तो तुमको कार्गो प्लेन तक पहुंचना पड़ेगा पहले तो, और क्योंकि तुम जमीन में खड़े हो के कार्गो प्लेन का कुछ उखाड़ नहीं सकते क्योंकि कार्गो प्लेन बहुत बड़ा होता है। तो ये कह रहा है कि हम कुछ ऐसा प्लान करना होगा कि हम कार्गो प्लेन तक उसी की हाइट तक पहुंच सके। चलो यार गाइस अभी फिर बात करते हैं इससे जल्दी जल्दी क्या कैसे करना है। ऑल राइट गाइस, मेरी जो है ना भाई लेस्टर से सारी बात हो चुकी है और लेस्टर मेरे को बोल रहा है कि माइकल पहले ना हमको जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे ना इसका खुद का एक हैंगर है, वहां पे इसने बोला है कि मैंने एक प्लेन को खड़ा कर रखा है, हम मतलब तुम उस प्लेन के अंदर बैठो, ये वहां तक मेरा साथ देगा और उसके बाद ये अपना वापस आ जाएगा। चलो ठीक है गाइस चलते हैं फिर अपन वहां पे, भाई एक प्लेन का इंतजाम इसने कर रखा है, फिर करेंगे क्या यार प्लेन में जाके, वो सारी बात हमें लेस्टर ही बताएगा। तो चलो यार गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी को ना पहले चलता हूँ एयरपोर्ट पे लेके, देन उसके बाद देखते हैं भाई कैसे करना है। मुझे कुछ बाकी समझ में नहीं आ रहा यार लेस्टर आखिरकार प्लान क्या कर रहा है, बाकी इसके 100% प्लान जो होते हैं ना वो सारे सक्सेस तो हो जाते हैं पर इसके जो मिशन जो प्लान बनाने वाला सीन है ना वो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि समझ में नहीं आता, जब करेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलो यार गाइस निकलते हैं फिर जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइस पहुंचने वाला हूँ एयरफील्ड पे, और यहाँ पे इसका लेस्टर का खुद का हैंगर है और इसने खुद का एक बहुत तगड़ा प्लेन खड़ा कर रखा है, और लेस्टर बोल रहा है उसी प्लेन में बैठ के ना तुम उस कार्गो प्लेन तक पहुंचो, उसके बाद देखते हैं भाई क्या ही कर सकते हैं। बाकी तुम्हारे पास अच्छे खासे वेपन्स भी हैं तो उन वेपन्स का यूज करके तुम हो सके तो कार्गो प्लेन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देना। और ये रहा वो प्लेन, अभी काम करते गाइस, अभी ये जो लैम्बोर्गिनी सियान है ना लेस्टर इसको लेके निकल जाएगा, तो मैं थोड़ा सा साइड पे पार्क कर देता हूँ तो लेस्टर इसको यहाँ से लेके अपना चला जाएगा। तो तब तक गाइस अपन भाई इस प्लेन में बैठते और भाई वेट करते हैं कार्गो प्लेन कब आएगा। मुझे जब भी कार्गो प्लेन भाई लॉस सैंटोस में घुसेगा ना तो वो यहीं से होके निकलेगा, तो लेस्टर बोल रहा है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब कार्गो प्लेन यहाँ से निकलने वाला। बाकी ठीक है गाइस, लेस्टर अभी जा रहा है यहाँ से, तो भाई बाकी अपन वेट करते हैं कब आएगा कार्गो प्लेन। ओके तो गाइस मुझे ना भाई फोन आ चुका है लेस्टर का, और लेस्टर बोल रहा है कि अभी कार्गो प्लेन एंटर हो चुका है लॉस सैंटोस के अंदर, अभी फटाफट से मुझे बैठना है अपने प्लेन के अंदर और फटाफट से गाइस इसको उड़ा के ना भाई कार्गो प्लेन तक पहुंचते हैं। चलो 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 गाइस इसको ना मैं सही तरीके से एक बार बस फ्लाई कर लूं बस। ठीक है गाइस हमने इसको उड़ा लिया, अभी लॉस सैंटोस में वो लिबर्टी सिटी से कार्गो प्लेन आ रहा है जिसके अंदर भर भर के वेपन्स पड़े हैं, तो गाइस उसका भी हमें कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं भाई कहां से आ रहा है, बाकी मुझे मिल नहीं रहा है। लेस्टर ने बोला तो है कि यहीं से कार्गो प्लेन गुजरेगा पर देखना पड़ेगा भाई, उसको ढूंढना पड़ेगा। वेट 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 वेट, क्या हो रहा है यहाँ पे? अबे गाइस हम ना भाई एक सेकंड रुकियो, मुझे लग रहा है ना यहाँ पे नो फ्लाई जोन है ना, तो यहाँ से मैं उड़ रहा हूँ तो इसीलिए भाई मेरे ऊपर अटैक ना हो जाए। सॉरी 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 सर, मैं इधर से निकल जाता हूँ, रुको 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 रुको, प्लीज अटैक मत करना यार। गाइस यार मन तो मेरा ऐसे कर रहा है ना कि भाई अभी यहाँ से आरपीजी निकालूं और उस कार्गो प्लेन को ब्लास्ट कर दूं, पर मैं गाइस यहाँ से करूँ तो करूँ क्या यार, मेरा प्लेन भी ना एक तो मैं ऊपर से उड़ा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भाई लेस्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मिलिट्री बेस के ऊपर ना तुम ज्यादा ऊपर से प्लेन मत उड़ाना, नहीं तो भाई वो मिनटों में तुम्हारा ब्लास्ट कर देंगे। रुको रुको रुको, मुझे थोड़ा साइड से होकर निकलना पड़ेगा।
मिलिट्री बेस के ऊपर से नहीं जाना, नहीं तो भाई वो मिनटों में अपना प्लेन ब्लास्ट कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा मुझे नीचे नीचे रहना है, ऊपर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे नो फ्लाई जोन है, तो अपन ऊपर नहीं कर सकते। बाकी ठीक है, मैं पहुंच चुका हूँ उस कार्गो प्लेन के पास, बट फिर भी मुझे यहाँ से नीचे नीचे रहना। रुको रुको, वो भी देख रहे ना गाइस, कार्गो प्लेन वो भी मिलिट्री बेस से थोड़ा दूर होके उड़ के गया है ताकि भाई उसके ऊपर अटैक ना हो जाए। कोई बात नहीं, बट अपन तो भाई अटैक अब इसके ऊपर करके रहेंगे, मिलिट्री वाले नहीं तो मैं तो करके ही रहूंगा। गाइस गाइस गाइस, अभी ना मैं मैप काफी टाइम से उसका पीछा करते ही आ रहा था और उस बंदे ने ना अपने कार्गो प्लेन का रैंप को नीचे करा है। रुको गाइस, अभी मुझे लेस्टर बोल रहा है यहाँ पे अटैक करना होगा माइको तुझे, क्योंकि यहाँ से ना ये आरपीजी चला रहा है और मैं भाई कैसे अटैक करूं? वेट अ मिनट, कुछ करना पड़ेगा गाइस, कुछ करना पड़ेगा, रुको ना। भाई 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 भाई, पूरा प्लेन ही हमने अंदर घुसेड़ दिया। भाई ये क्या कर दिया मैंने? गाइस एक काम करता हूँ, मैं निकालता हूँ अपने बड़े वाली गन 249, इससे ही इनको खत्म करते हैं। रुको, चल निकल यहाँ से। भाई साहब यहाँ पे ये देख रहे हो क्रेट्स, इनमें ना गाइस बहुत सारे तगड़े तगड़े नेक्स्ट लेवल वेपन जा रहे हैं। मुझे कैसे भी करके ना भाई इनको रोकना है। रुको गाइस, यहाँ पे कोई बंदा मुझे दिख नहीं रहा। रुको, इनकी गाड़ियों पे ही फायर करके देखता हूँ, नहीं दिख रहा भाई। और गाइस हम कितना ज्यादा ऊपर है, देख रहे हो भाई मैं कितना ज्यादा ऊपर हूँ। बट ठीक है, चल निकल यहाँ से। चलो चलो गाइस, अपन को ना भाई थोड़ा थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ते रहना है भैंस की। ओ वेट भाई, वेपन जा रहे नीचे। नहीं यार गाइस, यार वेपन नीचे गए भाई, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनको किसी को छोड़ना नहीं है यार। वेपन भाई मुझे कैसे भी करके खुद के लिए लेने दे। नहीं 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 नहीं, गाड़ी जा रही है कैसे भाई, इनकी लाशें उड़ उड़ के जा रही है। बट ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई बंदा है भी नहीं। एक काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर चढ़ के देखता हूँ, अगर बंदा मुझे मिल जाए तो। ओ यहाँ पे भाई पायलट बैठा है, चल तू भी निकल। और गाइस इसको ना मैं खुद ही अभी उड़ाने वाला हूँ। चलो ठीक है, अभी इसको फटाफट से मैं ही उड़ाने वाला हूँ भाई, इस प्लेन को ना भी उड़ा के। मुझे मैं लेस्टर से बात करता हूँ, आखिरकार करना क्या इस प्लेन का मुझे। पहले इसको ना गाइस इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, और लेस्टर ने बताया है कि अपन को इस प्लेन को लेके जाना है लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लेके जाना है। चलो ठीक है गाइस, लेके चलते हैं इसको। वेट अ मिनट, पहले भाई मुझे पूरा इसको घुमाना पड़ेगा, इतना बड़ा प्लेन है ना गाइस, लिटरली क्या ही बताऊं मैं आप लोग को, बहुत ही बड़ा प्लेन है ये भाई साहब। इसको मोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और पीछे आग लग चुकी है प्लेन के। गाइस यार देख रहे हो, और नहीं 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 भाई रुको, फायर कर रहे हैं ये भाई मिलिट्री के। भाई इनको मिलिट्री वालों को कैसे पता चल गया? आई थिंक भाई उनको ये लग रहा है कि इसकी डायरेक्शन बिना बताए चेंज हुई है, तो शायद वो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये रहे वो मिलिट्री वाले जो भाई लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं। बट ठीक है गाइस, मुझे कैसे भी करके अपने प्लेन को उड़ाना है बस। भाई नहीं 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 नहीं, ये बीच अबे ओ भाई भाई भाई, रुको 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 भाई, ये पक्का मेरे ऊपर अटैक करने वाला है बंदा, और मुझे ना कैसे भी करके अपने प्लेन को बचा के लेके जाना इनसे दूर। दो दो हाइड्रा मेरा पीछा कर रहे हैं, पर कोई ना यार। रुको गाइस, अभी देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, और मुझे सीधा सामने जाना है, और कहीं नहीं घूमना फिरना या मतलब कहीं भी मुड़ना नहीं है, सीधा बस सामने जाते रहना। और भाई प्लीज अटैक मत करना, और मैं बिल्कुल सामने जा रहा हूँ गाइस। ये ना भाई मेरा लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं, इनको ना भाई मेरे ऊपर शक वक हो रखा है मुझे लग रहा है, और तभी ये अटैक नहीं कर रहे हैं, शायद मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हो। पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई इनको ना। रुको गाइस, अभी इनको मजा चखाना पड़ेगा, इनको मैं ही अपने प्लेन से ही गिराता हूँ नीचे। लेस्टर बोल रहे हैं कुछ ना कुछ करके इनको दूर कर अपने से, और भाई ये तो अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं। वेट अ मिनट, ये तो अटैक कर रहे हैं भाई। गाइस रुको रुको, मुझे इसको लैंड करवाना पड़ेगा, पूरी आग लग चुकी है प्लेन के अंदर। गाइस गाइस, प्लेन ना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मुझे चलाने में, पर ठीक है गाइस, ये पूरी आग लग चुकी है ना साइड में, तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई इसको लेके, मुझे यहाँ पे इसको कोशिश करनी पड़ेगी लैंड करवाने की, देखता हूँ भाई कैसे हो सकता है। बट भाई ये गलत सीन हो गया, और इसके अंदर अभी वेपन बचे भी नहीं है, तो एक हिसाब से बढ़िया चीज भी है, बट एक हिसाब से भाई बहुत बुरी चीज भी है। गाइस गाइस, अभी मुझे पता क्या करना है, अभी मुझे भाई लेसर ने बोला है कि पूरी आग लग चुकी है ना प्लेन को, तुम यहाँ से जंप कर दो। चलो गाइस, मैं इसमें से एक गाड़ी खड़ी थी उसको पूरा फुली जंप करके निकल चुका हूँ। सारे भाई वेपन्स वगैरह ये देखो हवा में निकल रहे हैं, जा रहे हैं भाई, और ये वेपन्स अपने काम नहीं आने वाले। और प्लेन देख रहे हो भाई, पूरा क्रैश होके जा रहा है भाई। गाइस यार देख रहे हो भाई, प्लेन ना पूरा जाके मुझे लग रहा है ना हवा में जाने वाला है, और नीचे भाई प्लेन पूरा गया हवा मतलब पानी के अंदर चला गया प्लेन, और क्या ही ब्लास्ट हुआ है।
और गाइज मैं ना भाई सीधा अपनी गाड़ी से निकल के आ गया। मुझे यही डर था कि कहीं भाई गाड़ी ना ब्लास्ट हो जाए, नहीं तो भाई मेरी जान चली जाती। मैंने भाई जंप कर दिया और पैराशूट से अपन ने नीचे बढ़िया सा लैंड कर लिया भाई। बहुत ज्यादा मुश्किल से बचा हूँ यार मैं। बाकी ना गाइज यार मैंने जो है ना लेस्टर को फोन कर दिया और लेस्टर को बोला कि भाई तू आ जा लैम्बोर्गिनी शियान लेके, उसके बाद भाई चलते फिर सीधा लॉस गैंग के अड्डों पे। अभी ना गाइज यार मैं बस उसकी वेट ही कर रहा हूँ और वो कब आता है भाई, बस वो जल्दी ही आ जाए। वेट 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 वेट, ये लेस्टर ही है ना? ओके गाइज लेस्टर आ चुका है। अबे आते ही किसके साथ फोन पे लग गया। ऑलराइट गाइज इसको एक जरूरी कॉल आया था, वो इस जरूरी कॉल पे बात कर रहा था। चलो ठीक है गाइज, अभी लेस्टर बोल रहा है कि वो भी रेडी है और मैं भी भाई बिल्कुल रेडी हूँ। गाइज अभी फटाफट से हमको क्या करना है, फटाफट से जाना है लॉस गैंग के, मतलब दो जगह पे हमको जाना है। एक तो लॉस गैंग के अड्डे हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब लॉस गैंग को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एक लॉस गैंग का बहुत बड़ा घर है, ठीक है, वहाँ पे लॉस गैंग खुद वहाँ पे भी रहती है। एक अड्डे हैं जहाँ पे वो ट्रेनिंग करते हैं, तो हमको ये दोनों पे ही अटैक करना है। और एक लॉस गैंग का, और गाइज लेस्टर मेरे को पता क्या बोल रहा है, लेस्टर बोल रहा है कि अगर तुम बेलास गैंग के लीडर को ज्यादा खुश करना चाहते हो ना, तो लॉस गैंग के लीडर को भी पकड़ के लेके आना। वेगोस गैंग के लीडर को तुमने पकड़ के लाके उसके आगे फेंक दिया, इस टाइम पे तुम एक और काम करना, लॉस गैंग के लीडर को भी तुम ऐसे ही पकड़ के ले आना, बेलास गैंग का लीडर जो है ना वो तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। चलो ठीक है गाइज, ये भी हम अपन कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल रहता तो अपन जरूर करेंगे, अगर लीडर अपने हाथ लग गया। चलो ठीक है गाइज, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं भाई। मैं अपनी गाड़ी भी करता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ लॉस गैंग के, पहले तो घर पे चलते हैं क्योंकि लेस्टर बोला कि पहले अपन घर को ब्लास्ट करेंगे। अड्डों को ब्लास्ट करने के लिए रात को जाएंगे क्योंकि अड्डे पे ना बहुत ज्यादा लॉस गैंग के बंदे हो सकते हैं, तो उस पे अटैक करने के लिए अपन को रात को ही जाना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ हम अपन घर पे अटैक करते हैं। चलो यार गाइज अभी मैं अपनी गाड़ी भी करता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ लॉस गैंग के घर की तरफ। ऑलराइट गाइज मैं अपनी गाड़ी को भाई साहब भगाता गाइज काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ। और लेस्टर बोल रहा है कि अपन को ना भाई यहाँ पे पूरा सही मतलब देख देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई उन्होंने अटैक अपने पे किया ना तो वो भाई बहुत ज्यादा गंदा अपने पर अटैक करेंगे। जो कि वो लॉस गैंग का घर है ना भाई, वहाँ पे बहुत सारे लॉस गैंग के बंदे तुम लोग को मिल सकते हैं, इसीलिए लेस्टर बोल रहा है कि अपन को ना भाई देख देख के ही कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और लेस्टर को भी मैंने गन पकड़ा दी है, ये बढ़िया कि लेस्टर अपनी हेल्प करने के लिए रेडी हो चुका है, नहीं तो भाई बंदा मना ही कर रहा था। बट ठीक है गाइज अपने साथ आया है। और गाइज लेस्टर बोल रहा है कि यहाँ पे ना सारा ही जो अड्डा है ना वो सारा लॉस गैंग का शुरू हो चुका है, तो मेन घर पे अपन को जाना है। आई थिंक मेन घर ये है या फिर कौन सा है, मुझे अपनी गाड़ी को ना पहले साइड करके यहीं पे पार्क लगा लेते हैं। रुको यार मैं अपनी गाड़ी को ना गाइज यहाँ पे पार्क लगा लेता हूँ, ताकि भाई अपनी गाड़ी के साथ कोई गलत सीन ना हो सके। बाकी गाइज लेस्टर ने भी अपनी गन निकाल लिया, मैंने भी अपनी गन निकाल लिया। अभी गाइज थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ेगा, पहले गन मैं अंदर कर लेता हूँ और थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। मैं ना एक बार पहाड़ से चढ़ के ना पहले चेक करता हूँ कि आखिरकार वो बंदे मुझे, क्योंकि यहाँ से नीचे होके ना दिख नहीं रहा कुछ भी, जो भी सही से दिखेगा ना अपन को वो ऊपर जाके दिखेगा। एक सेकंड यार, एक तो ये पहाड़ चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रुको यार एक काम करता हूँ, थोड़ा साइड से इधर से चढ़ते हैं ना भाई ऊपर। आ जा भाई लेस्टर, लेस्टर भी आ रहा है गाइस धीरे धीरे। एक सेकंड रुकियो जरा, मुझे यहाँ से चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट यहाँ पे गाइस पहले से ही अच्छा ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पे लॉस गैंग के बहुत सारी गैंग्स के बहुत सारे बंदे हैं भाई यहाँ पे। और देखो भाई ये पेट्रोल का सीन कुछ कर रहे हैं, रुको गन्स चला चला के दिखा रहे हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं गाइज, इनको मैं अपन बताते हैं अभी। गाइज ये बंदा बोल रहा है कि आज मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई अटैक करने आया है। वेट अ मिनट, तेरे को मैं बताता हूँ भाई, अब भक्के दिखाइयो तू। गाइज 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 देख रहे हो भाई, ये पूरे घर को अपन को जलाना है भाई, तब भी अपन सारे लॉस गैंग के बंदों को मार पाएंगे। आ जाओ भाई धीरे 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 चलते हैं। रुको 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 रुको, आ जा भाई लेस्टर फटाफट से आ जा, तेरे को बस कोई देख ना ले। रुको 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 गाइज एक मिनट, मैं काम करता हूँ, पहले यहाँ पे ना छुपता हूँ। और लेस्टर कहाँ है भाई? ओके गाइज अभी आ रहा है भाई लेस्टर। चलो ठीक है गाइज अभी ना मुझे यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी, पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे आखिरकार सीन क्या चल रहा है, तो उसके बाद ना मैं निकालने वाला हूँ M416 सीधा भाई इनके ऊपर शॉट बजाने वाला हूँ। गाइज एक ना मेरे पास स्नाइपर है जिसपे ना एक अच्छा सा सप्रेसर लगा हुआ है, तो मैं उसको ही निकालता हूँ। हाँ इस पे लगा हुआ है बहुत अच्छा तगड़ा सप्रेसर। और वेट भाई यहाँ पे आई थिंक फाइट हो चुकी है तो भाई लग जाओ अपने काम को। रुको गाइज अभी मैं निकालता हूँ अपनी M416, किसी को नहीं छोड़ना। आओ बेटे बेटे आ जा बेटे, किधर निकल रहा है गाइज? गाइज एक मिनट एक सेकंड भाई, सब लेस्टर भी अभी सारा का सारा इधर संभाल रहा है। वेट तुम्हारी भैंस की, निकलो यहाँ से। ओ वेट वेट किधर जा रहा है बेटे? एक मिनट कवर लेगा चल निकल यहाँ से बाहर। चलो रुको रुको एक यहाँ पे कवर लेके बैठा भाई, क्या ही गंदा मार रहा था। रुको भैंस की तरी,
निकल यहाँ से। गाइस मुझे निकालने पड़ेगी अपनी बड़े वाली गन ही निकालता हूँ भाई, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। ये बंदे ना कुछ ज्यादा ही है भाई, रुको रुको रुको, चल निकल। बाकी लेस्टर भी भाई इनको मजा चखाने में लग चुका है, रीलोड कर रहा है लेस्टर। ठीक है भैंस की तुम्हारी, तू भी निकल, चल निकल। एक मिनट गाइस, अभी वो घर पे भी मुझे लग रहा है ना काफी सारे बंदे हैं। चाहूं तो मैं एकदम से आरपीजी चला के भाई इनको खत्म करूं, पर ना धीरे धीरे खत्म करेंगे ना भाई, आरपीजी से तो ये डर के भाग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और लेस्टर इधर एक बंदे को संभाल रहा है, रुको रुको रुको, किसको देख रहा है भाई लेस्टर? रुको मुझे लग रहा है वहां पे कोई बंदा होगा, चलो लेस्टर उसको खत्म कर ही देगा। बाकी ना एक बंदा यहाँ पे छुप के बैठा है, चल निकल। गाइज अभी ना मुझे धीरे धीरे ना अंदर जाना होगा, यहाँ पे अंदर ही लॉस गैंग के जितने भी बंदे हैं। चलो गाइज यार अभी चलते, वेट अ मिनट, यहाँ पे तो गाइज बहुत सारे बंदे हैं, रुको इनको हेडशॉट पे जाना होना भाई, बंदे के सिर्फ एक गोली मारो सीधा हेड पे, खत्म बंदा। चलते तू भी निकल। गाइज यार इधर लेस्टर कहाँ है, एक तो मुझे लेस्टर दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकंड गाइज, ये पता नहीं भाई कहाँ से आके गोलियां बजा रहे हैं, बट इनको पता नहीं है भाई इनका पंगा जो है ना वो माइकल से है, बट यहाँ पे तो गाइज अबे लेस्टर क्या कर रहा है भाई, मार इनको। ऑलराइट गाइज लेस्टर भी यहाँ पे सबको मार रहा है, बट भाई हम दोनों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रुको गाइज अभी टाइम आ चुका है, यहाँ पे एक दो ग्रेनेड तो भाई फेंकने पड़ेंगे। रुको चल भाई अंदर ग्रेनेड फेंकेंगे ना तो जितने भी अंदर बंदे हो गए वो बाहर आ ही नहीं पाएंगे। चल तेरी पैस की, पहले तो इन सबको देख लूं भाई, चल निकल। और गाइज अपन को अंदर जाना है, वेट 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 वेट, अंदर की तरफ रुकियो जरा। चलो भाई मैं दिखाता हूँ, अभी अंदर की तरफ चलता हूँ भाई। यहाँ पे ना गाइस काफी सारे बंदे, रुको 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 भाई, रुको रुको रुको, पहले ना मैं थोड़ा सा इधर चलता हूँ। चल चल चलो गाइस एक काम करता हूँ ना भाई, यहाँ पे ना मैं एक फेंकता हूँ बढ़िया वाला ग्रेनेड। ओ थोड़ा थोड़ा शॉट गलत गया, पर जो अंदर गया ना वो अपना काम जरूर करके आएगा। चलो गाइस उन सबको तो खत्म कर दिया है, बाकी अंदर चलते हैं। रुको वेट अ मिनट, चल निकल यहाँ से। चलो 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 गाइस, बाकी यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिख रहा, बाकी मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ, बट हर एक कमरे पे अपन को चेक करते हुए जाना है भाई। चलो 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 यहाँ पे तो बाहर जाने का रास्ता है, तो यहाँ से अपन को नहीं जाना है। भाई तू किसके पीछे लगा हुआ है, चल निकल। बंदा बीच में अटका हुआ था, बंदों की गाइस आवाज तो आ रही है बट बंदे मुझे दिख नहीं रहे, वो शायद हो सकता है ना वो अपन को पीछे से अटैक करे। रुको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर जाके भी देख के आता हूँ। लेसर आजा फटाफट से आजा भाई, किसी को छोड़ना नहीं है। रुको रुको पर तो भाई कोई है ही नहीं, तो बढ़िया ना ऊपर कोई नहीं है तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई, अपना फर्ज बनता है चेक करना। यहाँ से कवर लेके अपन को मार रहे थे, तो गाइज यहाँ पे भी कोई नहीं है। चलो बाकी बंदे फिर आखिरकार है कहाँ भाई, बंदे तो है यार गाइज। रुको पहले तो ना ये जलाने दो, इसको जलाने का तो अलग ही लेवल का मजा है भाई। सिलेंडर का भाई, सिलेंडर देखना अभी कैसे फटेगा। चलो गाइज अभी वेट वेट वेट, मुझे ना भाई और बंदों को ढूंढना पड़ेगा। ये बंदे तो है भाई, चिल्ला रहे हैं तो मतलब बंदे हैं, बस वो सामने नहीं आना चाहते। गाइस गाइस ये रहा वो बंदा, इसके पीछे लग के मार रहा है। चल तेरी भैंस की, उसको भी गाइस हमने खत्म कर दिया है। अभी लेस्टर बोल रहा है कि माइकल एक काम कर, मैं भाई इसकी पहले बात सुन लेता हूं, आखिरकार करना क्या चाहता, बोलना क्या चाहता है। गाइस लेस्टर बोल रहा है कि एक काम करते हैं माइकल, यहाँ के हमने सारे बंदों को मार दिया ठीक है, कल को अगर यहाँ पे चेकिंग हुई ना तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, तो इससे बढ़िया काम कर पूरे घर को आग लगा दे। पूरे घर को कैसे आग लगा दे भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा लेस्टर आखिरकार बोलना क्या चाहता है, पूरे घर को आग लगाने की बात कर रहा है लेस्टर। तो लेस्टर बोल रहा है कि पहले तुम ना इसका अंडरग्राउंड ढूंढो, अंडरग्राउंड कहाँ से है, वहां से एक पेट्रोल वाला मेरे पास है लेस्टर, मेरे पास है भाई ये जेरिकन है अपने पास, इससे अपन पूरे घर को आग लगाएंगे। भाई लेस्टर कितना क्या सोच रहा है भाई बंदा। चलो ठीक है गाइज, अभी मुझे ना पहले ना नीचे का बेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। एक तो ना गाइज मुझे नीचे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, बाकी एक सेकंड वेट, ये रहा ओके, ये रहा एक यहाँ पे बंदा। चल तेरी पैस की, तू भी निकल। गाइज यार यहाँ पे एक बंदा तो था, इसको हमने मार दिया है, और लेस्टर बोल रहा है कि अगर तुम चाहो ना तो तुम पूरे घर को आग लगा दो। भाई ये ज्यादा भयानक नहीं हो जाएगा यार, किसी के घर को आग लगाना, क्या बोलते हो गाइस, लगा देते हैं यार फिर अगर लेस्टर बोल रहा है तो। भाई लेस्टर की बात नहीं टालनी यार। चलो गाइस यहाँ से ना ये पूरा जेरिकन मैं ऐसे फेंकता हुआ लेके चलता हूँ, मतलब पूरे घर को ऐसे आग लगानी है ना भाई, तो भाई पूरे घर पे ही पेट्रोल हमको फैलाना पड़ेगा। चलो ठीक है गाइस, अभी यहाँ तक तो मैं पूरा पेट्रोल फैलाता हुआ जा ही रहा हूँ, देखते हैं भाई, समझ में कुछ नहीं आ रहा यार। चलो गाइज यार पूरे घर पे हमने पेट्रोल की लाइन सी बना दी है, बाकी लेस्टर आखिर करना क्या चाहता है यार, यही समझ में नहीं आ रहा। ओके
पूरी पेट्रोल की लाइन बनाते हुए हम बाहर जाएंगे और वहाँ पे एक गोली बजा के पूरे घर को उड़ा देंगे। कुछ ज्यादा भयानक सीन नहीं हो जाएगा ये? चलो गाइस देखते हैं भाई, पहले तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊं। हाँ इसमें थोड़ा सा पेट्रोल बाकी है तो इधर तक अपन भाई सारा पेट्रोल आग लगा देते हैं भाई। रुको, चलो थोड़ा सा रह गया पेट्रोल पूरा खत्म। चलो गाइस एक और काम करना है मुझे, जो कि अगर थोड़ा सा भी घर बच जाए ना तो ये स्टिकी बॉम्ब ना भाई अपना पूरा काम कर देंगे। तो मैं ना भाई पूरे घर में स्टिकी बॉम्ब्स भी थोड़े से लगा ही देता हूँ ताकि अपना और भी मस्त काम हो जाए। रुको यार, घर के अंदर जाके थोड़े दो चार स्टिकी बॉम्ब लगाएंगे ताकि भाई थोड़ा ब्लास्ट के कारण भी ना, जो अगर कुछ बच गया, दीवारें वगैरह बच गई ना, तो वह गिर ही जाए। चलो गाइस यहाँ पे हमने कर दिया, अभी फटाफट से थोड़ा दूर जाते हैं। पहले आजा भाई लेस्टर, फटाफट से तू आजा भाई, मेरे को तेरी टेंशन हो रही है। आने दो भाई लेस्टर को, एक बताओ उससे, एक तो बंदे से चला भी नहीं जा रहा फिर भी बंदा अपने साथ लड़ने के लिए आ गया। और मुझे यहाँ पे दूर दूर तक कोई बंदा दिख नहीं रहा, एक यहाँ पे सिलेंडर वगैरह दिख रहे हैं, इनको तो भाई मैं छोड़ने नहीं वाला। चलो गाइस 3 2 1 गाइस आग लग चुकी है और भाई साहब आग जा रही है। थोड़ा दूर आ जा लेस्टर, थोड़ा दूर आ जा भाई, थोड़ा दूर आ जा। गाइस 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 आग जा रही है पूरे घर में आग जा रही है। गाइस पूरे घर में आग लग चुकी है भाई साहब, वो स्टिकी बॉम्ब देखो कैसे कैसे फटे, पूरे घर को ही आग लग गई भाई। भागो यार यहाँ से, अभी कोई और सीन ना हो जाए या सिलेंडर वगैरह बस एक बार चला दूं मैं। चलो भाई लेस्टर भाग, फटाफट से भाग लेस्टर, फटाफट से भाग, तो आगे कोई और सीन नहीं चाहिए भाई, फटाफट से भाग भाई। चलो भाई सर यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी शियान पड़ी है, पहले यहाँ से दूर निकलते हैं और थोड़ा सा ना टाइम रात होने का वेट करते हैं। लेस्टर बोल रहा है, और लेस्टर बोल रहा है गाइस थोड़ा सा ना रात होने तक अपन वेट करेंगे, रात होने के बाद ना भाई उस पर जो दूसरा अड्डा है ना वहाँ पे अटैक करने चलेंगे। क्योंकि भाई वहाँ पे एक्चुअली सीन क्या है कि सारे लॉस गैंग के बंदे ना 24 घंटे वहाँ पे ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो भाई अगर हम वहाँ पे जाएंगे ना अटैक करने तो उनकी गिनती इतनी ज़्यादा होगी ना कि अपन अकेले दो जाने कुछ नहीं कर पाएंगे। आ जा भाई लेस्टर, रात को ही लेस्टर बोल रहा है तो रात तक का अपन को वेट तो गाइस करना ही पड़ेगा। तब तक के लिए गाइस अपन धीरे धीरे चलते हैं उस जगह पे पहुंचते हैं, उसी जगह पे पहुंच के ना थोड़ा वेट कर लेंगे रात होने तक का। बट गाइस यहाँ का तो नेक्स्ट लेवल सीन हो गया यार, मजा ही आ गया यार। ऑल राइट गाइज मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइज पहुंचने वाला हूँ लॉस गैंग के उसी अड्डे पे जहाँ पे ये लॉस गैंग को पूरे के पूरे भाई सब ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी गाइस आप मौसम देख रहे हो कितना ज्यादा भयानक हो रखा है, खराब हो चुका है। और भाई इसी मौसम पे गाइस आज के आज मुझे कैसे भी करके लॉस गैंग के बंदों को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो भाई कल, अगर कल पे बात चली गई ना तो भाई पे लॉस गैंग मेरे पीछे हाथ धो के लग जाएगी। तो आज के आज का ही टाइम बाकी है भाई, इन 3 दिनों में मैं पता नहीं क्या कर रहा था भाई, मुझे ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, देर आए दुरुस्त आए, अभी आज के आज भाई कैसे भी करके इनको खत्म करना है। बाकी हाँ गाइस ये रहा वो लॉस गैंग का अड्डा। बाकी मैं काम करता हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी शियान को ना थोड़ा साइड पे पार्क कर देता हूँ ताकि अपनी लैम्बोर्गिनी शियान सेफ रहे भाई। अभी के लिए अपने पास सिर्फ एक ही गाड़ी है, बाकी सारा सामान तो अपना गवर्नमेंट के पास है इसीलिए भाई। और बाकी मैंने ना लेस्टर को ये बोल दिया कि लेस्टर तुम यहाँ पे वेट करो, मैं यहाँ पे बस काम करके आ जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे गाइस अपन को और ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे गोलियों की जरूरत तो पड़ने ही नहीं वाली, यहाँ पे तो सिर्फ गाइस बस बॉम्ब लगाने और ये सारी जगह हमको ब्लास्ट करनी है। बाकी यहाँ भाई लेस्टर को मैंने वहीं पे करने के लिए बोल दिया है। चलो गाइस अभी यहाँ से चलते हैं भाई, देखते हैं भाई अभी बस थोड़ा और रात होने का वेट करते हैं। यहाँ पे रात हो चुकी है और ये रहे लॉस गैंग के बंदे जो बारिश से बच रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं इनको मैं बताता हूँ भाई, बारिश में खड़े होकर भी काम कर रहे हैं। ठीक है गाइस अभी ना मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे थोड़ा सा छुपता हूँ। चलो चलो गाइस यार रात अभी काफी ज्यादा हो चुकी है, अभी ना मुझे धीरे धीरे जाना। रुको रुको गाइस यहाँ पे ना गाइस एक बंदा है, रुको भाई ये जो ये रहा वो बंदा, ठीक है तो मुझे यहाँ पे गाइस ध्यान से रहना होगा। रुको 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 एक सेकेंड, ये मुझे देख तो रहा है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे यहाँ से ना ध्यान से जाना पड़ेगा। बस मुझे इसी बात की टेंशन हो रही कि मुझे कोई और पहचान ना ले और या फिर पकड़ ना ले। रुको 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 अबे रुको गाइस उसने मुझे देख लिया, वेट यार मुझे अपनी गन निकालनी पड़ेगी। गाइस यहाँ पे सबको पता चल चुका है, रुको भाई आओ तो सही तुम लोग की ऐसी तैसी मैं करूंगा भैंस की तुम्हारी, सबको पता चल चुका है ना। रुको गाइस यार उस बंदे ने ना भाई सबको बता दिया यहाँ पे, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई अपन यहाँ से सबको खत्म कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बंदा ना यहाँ से भाग रहा है, रुक तेरी भैंस की तेरे को मैं भगने देता हूँ। गाइस यार रुको 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 वेट अ मिनट, एक यहाँ पे बंदा खड़ा है, मुझे पता था तू यहीं पे मिलेगा, रुको चल तू भी निकल। चलो गाइस यहाँ पे भी बंदे हैं भाई, चल निकल यहाँ से।
चलो गाइस इसको भी मैंने खत्म कर दिया। अभी यहाँ पे भी बंदा है, चल निकल। मैंने भाई शॉटगन निकाली और शॉटगन से ना भाई नेक्स्ट लेवल ही बंदा मरता है। रुको एक यहाँ पे है, रुको मुझे अभी देखना पड़ेगा और कोई बंदा तो नहीं है, बट यहाँ पे किसी की आवाज आ रही है और ये रहा वो बंदा। चलो गाइस यहाँ से हमने सारे बंदों को खत्म कर दिया है। चलो गाइस मैंने निकाल लिया अभी बॉम्ब, ठीक है बॉम्ब फटाफट से ना गाइस धीरे 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 से कोई और भाई अपन को पहचान ना ले, मतलब और कोई ना भाई ऐसा ना पहचान ले कि कोई ये बाहर का बंदा है, क्योंकि ये भाई इनका पॉलिसी है अगर कोई बाहर का बंदा यहाँ पे आता है ना तो भाई ये मिनटों में उसको खत्म कर देते हैं। चलो ठीक है गाइस अभी ना फटाफट से ये रहा दूसरा ट्रेलर, अभी इस पे भी मैं एक प्यारा सा बॉम्ब लगा देता हूँ, फिट कर देता हूँ। और भाई अभी मुझे एक मिनट को ये बॉम्ब ना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये स्टिकी बॉम्ब, और ये अगर फूटेगा ना भाई ये पूरा का पूरा एरिया ही यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। रुको भाई मैंने डॉग हाउस पे लगा दिया, बट यहाँ पे कोई डॉग नहीं है, ये बढ़िया बात है। चलो गाइस ठीक है अभी फटाफट से रुको, एक यहाँ पे भी मुझे लगाना है, एक दो ना इधर उधर भी लगा देंगे ताकि कोई और टेंशन ही ना हो सके। एक इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं, मेरे पास 18 है ना तो भाई हर जगह पे लगा देंगे ताकि भाई अपन को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, मतलब सारा कुछ उड़ जाए। तो चलो ठीक है एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक मिनट रुको, एक यहाँ पे भी लगा देते हैं, बस थोड़ा सा बाहर जाना है और मुझे लेस्टर के पास जाके ना सीधा इन सबको ब्लास्ट कर देना है। चलो 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 मैंने यहाँ पे भी एक लगा दिया है और एक यहाँ पे भी लगा देते हैं, 12 बॉम्ब बचे हैं भाई, एक तो और लगाऊंगा, एक तो इस पे पक्का लगाऊंगा और एक इस पे लगाऊंगा। चलो गाइस यार अभी ना भाई थोड़ा सा दूर जाके ना इसको कर देते हैं ब्लास्ट। तो चलो गाइस यार मैं भगता भगता भाई लेस्टर के पास आ चुका हूँ, फटाफट से ब्लास्ट कर देते हैं। 3, 2, 1 गाइस 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 पूरी जगह को आग लग चुकी है भाई। तो गाइस गाइस सब कुछ भाई अब ठीक है भाई, सारी जगह को हमने ब्लास्ट कर दिया है। गाइस ये तो लॉस गैंग का लीडर है तेरी पैस की, ओ भाई गाइस यार ये तो भाग रहा है भाई, एक सेकंड रुकिए इसको पकड़ना पड़ेगा और मुझे ना गाइस बाइक पे ही जाना पड़ेगा, सामने एक बाइक पड़ी है भाई, इसको फटाफट से जाके ना ऐसे ही पकड़ता हूँ भाई, इसको भागने नहीं देना। लेसर तू बाइक गाड़ी लेके भाई घर तक निकल, इसको मैं पकड़ता हूँ भाई। आखिरकार ये निकला कहाँ होगा ना, इसको कैसे भी करके मुझे पकड़ना है और लेसर भाई अपनी लैम्बोर्गिनी शान को लेकर निकल जाएगा। ऑलराइट गाइस मैं अपनी भाई बाइक को भगाता भगाता गाइस काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूं और ये जा रहा है लॉस गैंग का लीडर तेरी ऐसी की ऐसी, अब तेरे को भाई मैं छोड़ने नहीं वाला भाई, तू आ जा भाई। एक तो गाइस बारिश इतनी ज्यादा हो रही है ना अभी, थोड़ा सा मतलब मौसम ठीक हुआ है, पहले तो भाई कुछ ज्यादा बिजली कड़क रही थी, अब बिजली नहीं कड़क रही बट बारिश हो रही है। और गाइस मुझे कैसे भी करके ना भाई इस बंदे को पकड़ना, क्या ही स्पीड से बाइक भगा रहा है और मेरी बाइक ना भाई इतनी स्पीड से भाग नहीं रही। और लेस्टर को मैंने एक गाड़ी देके भेज दिया घर पे, लेस्टर चला चुका है घर पे। वेट बंदे ने क्या ही शॉर्टकट मारा है, बट आएगा था तू बेटा इधर से ही। नहीं 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 गाइस वो जा रहा है उधर से, रुको यार इसको गाइस पकड़ना तो पड़ेगा भाई, मैं इसको जाने तो देंगे नहीं। मैं मानता हूँ भाई बेलास गैंग के लीडर ने सिर्फ इतना ही बोला था बेगोस गैंग के लीडर को पकड़ के लेके आना है और लॉस गैंग के सिर्फ अड्डों को उड़ाना है, अपन ना भाई लॉस गैंग का लीडर भी उसको देंगे तब बंदा ज्यादा ही हमसे खुश हो जाएगा। चलो ठीक है ये भाग रहा है ना, इसकी ऐसी की तैसी, अब इसको मैं छोड़ दे तो वाला नहीं हूँ। एक तो भाई अपनी बाइक कुछ ज्यादा स्लिप हो रही है और ये बंदा ना इतनी ज्यादा रेनिंग में भी बंदा क्या ही बढ़िया बाइक चला रहा है। चलो ठीक है अब इसको जाने तो मैं दूंगा नहीं। वेट 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 एक तो ना भाई ये कहां से निकल रहा है, एक मिनट में कहां निकल गया यार, अच्छा वो जा रहा है गाइस सामने ही। तो गाइस मैंने अपना देसी कट्टा निकाल लिया है, अब भी भाई इसको ना मैं कैसे भी करके पकड़ के रहूंगा भाई, क्या ही स्पीड से भगा रहा है बाइक। ओके ऑफ रोडिंग पे लेके जा रहा है बाइक, कोई ना बेटे मैं आ रहा हूं तेरे पीछे भाई। इसके ना भाई देसी कट्टे से शॉट बजाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही गंदी ड्राइविंग कर रहा है ये बंदा, पर कोई दिक्कत नहीं गाइस मैं इसको पकड़ के तो रहूंगा ही भाई, कहीं भी चला जाए बट इसको मैं छोड़ने तो वाला नहीं। वो जा रहा है सामने गाइस गाइस ये बंदा भाई एकदम से निकल, ओके ये रहा वो बंदा भैंस की तरी। ओके ओके ये जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं गाइस भगने दो इसको भाई, कितना भग लेगा कितना भग सकता है तू, बस मेरे बाइक का पेट्रोल खत्म ना हो जाए उत तक तू जितना मर्जी भग ले। बाकी ठीक है वो जा रहा है बंदा, क्यों ही लहराता हुआ जा रहा है भैंस की तरी। और भाई एक सेकेंड ये प्रिजन की तरफ क्यों गया है, और इसका बाइक गिरा साइड हो, निकल 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 बेटे 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 अब हाथ ऊपर कर बता रहा भाई भाग रहा है यार। मैं मारना तो इसको नहीं चाहता पर मेरे को गोली चलानी पड़ेगी, अगर तू भाई नहीं रुका ना मेरे को गोली चलानी पड़ेगी। रुक जा बोल रहा हूँ, हाथ ऊपर कर और इधर देख भाई, बे भाई इसका पूरा हेड टूट चुका है क्या, भैंस की ट्रंक इसके हेड की तो पूरी हड्डी टूट चुकी है गाइस। रुकियो देखियो भाई एक तरफ का तो इसका हेड ही नहीं दिख रहा और एक तरफ इसका हेड दिख रहा है भाई। मुझे ना गाइस इसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, पर भाई ये लीडर है यार लॉस गैंग का, कैसे छोड़ सकता हूँ इसको मैं, ये देखो द लॉस गैंग का लीडर है ये बंदा। पर गाइस मुझे लग रहा है ना जो धमाका हुआ था ना
जो हमने धमाका करा था अभी इसके अड्डे पे, आई थिंक वहीं पे इसका हेड टूटा होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और मैंने गोली भाई इतना कोई गोली जोर से भी नहीं बचती कि पूरे हेड की हड्डियाँ ही टूट जाए। बंदे का क्या ही हाल हो गया है, देख रहे हो ना क्या ही हाल हो गया। बट गाइस अभी भाई मुझे तो भाई इसको लेके तो जाना पड़ेगा। बता मेरी बात सुन, बता सीधी तरह मेरे साथ चलेगा या फिर मार खा के चलेगा, अभी तेरे ऊपर है ये क्या करना चाहता। गाइस ये मान तो चुका है कि मैं सीधी तरह तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ, प्लीज मुझे मारना मत, मेरे पहले से ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चलो ठीक है गाइस, आजा आजा बेटे नीचे आजा, भगने की कोशिश मत करना, एक गोली मारूंगा, अभी तो सर पे है दर्द हो रहा है ना, अब भाई हर जगह पे दर्द कर दूंगा तेरे। आजा आजा आजा, कहीं भागने की भी कोशिश मत करना, आजा आजा आजा। चलो गाइस इसको ना भाई अपनी बाइक पे बिठाते हैं। भाई गंदा ही इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ यार, क्या ही गिरा था बंदा। अबे बैठ ना भाई, क्या गिर क्यों रहा है, बैठ। अबे बैठ ना यार भाई, कोई ना कोई ना कोई ना तेरा इलाज करवाएंगे, कोई ना, जब बैलास गैंग के लीडर को तेरे को दूंगा ना मैं, वो अपने आप तेरा इलाज करवाएगा। चलो गाइज ये मान तो चुका है, बट गाइज मेरे को ना पता नहीं भाई इसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा ये ऐसे। चलो ठीक है जब तक जाता है तब तक तो चलते हैं। चलो गाइज बंदा तो भाई अपने साथ आराम से आ चुका है, अभी भाई इसको घर पे लेके जाएंगे, इसकी भाई मालिश करेंगे, इसका इलाज करवाएंगे, उसके बाद बैलास गैंग के लीडर को दे देंगे। मतलब बैलास गैंग के लीडर ने ये तो नहीं बोला कि उसको भी लॉस गैंग का लीडर चाहिए, बट अगर हम देंगे ना भाई बैलास गैंग का लीडर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। क्या पता भाई वो हमको कोई गिफ्ट विफ्टी दे दे यार, बहुत बंदा अमीर है गाइस, आप लोगों ने देखा था ना लास्ट टाइम कैसे इनकाउंटर कर रखा था उसने, दो तीन बंदों का ऐसे ही खड़े खड़े मेरे सामने इनकाउंटर किया था। तो भाई वो बंदा बहुत ज्यादा अमीर है, क्या पता माइकल को वो खुश होके कोई अच्छा खासा गिफ्ट ही दे दे। चलो ठीक है भाई, एक तो मतलब बढ़िया। ओ वेट 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 भाई, ज्यादा स्पीड में होता ना इसके बीच में जाके ठुक जाता है यार। चलो चलते हैं भाई, वेट भाई इसने जंप कर दिया, तेरी पैंस की भाई ये मुझे ना बंदा सही में सही नहीं लग रहा, तेरी पैंस की, भाग रहा है भाई अभी भी भाग रहा है। नहीं यार भाई गोली चला दूंगा, रुक जा मैं बता रहा हूँ गोली चला दूंगा, मैं चला दूंगा गोली मैं भैंस की। गाइस यार ये क्यों भगा यार भाई, इसके ऊपर मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था यार, इसको ना बेहोश करके अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। रुको गाइस इसको पकड़ना पड़ेगा, वेट 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 वेट, रुक रहा है कि मैं गोली चलाऊं भैंस की टांग। भाई 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 नहीं 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 नहीं, निकल निकल यहाँ से बाहर निकल। चल अब बेटे अब तेरे को मैं छोड़ने नहीं वाला, बहुत हो गया, तूने ये मेरे साथ गलत किया, तूने स्कैम किया ना ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। गाइस अभी भाई इसको छोड़ना नहीं है यार, चल तेरी प्यास की इसके सर पे एक रख के बजाऊंगा, और ये बंदा अभी भाई बेहोश तो हो ही जाएगा। चलो गाइस बंदा हो चुका है बेहोश, अभी इसको उठाते हैं, एक दो और बजा देते हैं। इसने भाई मेरे साथ स्कैम किया, मैंने इसको पर भरोसा किया, इसने स्कैम किया अपने साथ। ऑलराइट गाइस मैंने ना भाई इसको अपने कंधे पे उठा लिया क्योंकि ये पूरा फुली बेहोश हो चुका है। और गाइस मुझे ना भाई बचते बचाते ही अपने बाइक को लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई अगर किसी पुलिस वाले ने हमको देख लिया ना तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट मेरा बाइक कहाँ था भाई, बाइक मिलना चाहिए, रुको यार। एक तो इसको कंधे पे उठा रखा इतना भारी है ये, ऊपर से बाइक कहाँ चला गया यार। ओके ओके ये रहा वो अपना बाइक। ओके भाई एक मिनट रुको यार, मुझे इतना बड़ा घूम के आना पड़ेगा क्योंकि इतने भारी बंदे को लेके मैं जंप नहीं कर पा रहा। चलो 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 ये रहा अपना बाइक। अभी ना गाइज अभी शॉर्टकट वॉर्टकट लेके ना भाई इस बंदे को ना अपने घर तक लेके जाना पड़ेगा। और गाइज मैंने ना भाई इसको अपने कंधे पे उठा रखा है, अभी भाई मुझे बस धीरे धीरे बाइक चलानी पड़ेगी ताकि भाई अपने कंधे से गिर ना जाए। भाई एक तो बारिश इतनी हो रही है ना, पानी पूरा आंखों में पड़ रहा है, इसलिए मैंने अपना हेड जो है ना वो नीचे कर रखा है ताकि बारिश के कारण भाई आंखों में दिक्कत ना हो जाए। तो चलो यार गाइस अभी मैं अपनी बाइक भगाता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ माइकल के घर की तरफ। ऑल राइट गाइस मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते गाइस पहुंचने वाला हूँ लॉस सैंटोस अपने घर की तरफ। और भाई बस इतना बढ़िया रहा कि रास्ते में अपना पुलिस वालों से कोई चक्कर नहीं पड़ा, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाती यार, अगर पुलिस वालों से भाई मिलती ना पुलिस तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती। चलो ठीक है बाकी यार अपन तो भाई पहुंचने वाले अपने घर पे, और इस बंदे की ना भाई अच्छी खासी हमने मालिश कर दी है। बाकी ठीक है भाई अभी मैं लेस्टर से बात करूंगा कि इस बंदे का हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा भाई अपन अपने लिए या तो अपन को गिफ्ट दिलवा सकता है बैलास गैंग के लीडर से, या फिर शाबाशी दिलवा सकता है, और तो क्या ही करवा सकता है। ठीक है गाइस अभी लेस्टर तो भाई अपनी लैम्बोर्गिनी शान को लेकर अपने घर पर चला गया है, और चलो भाई मैं निकलता हूँ और इस बंदे को ना अभी फटाफट से घर के अंदर चल के ना इसको भाई नीचे फेंकते हैं। रुको आ चुका अपने घर पे और फटाफट से भाई इसको यहीं पे लिटा देते हैं। ऑल राइट गाइज मैंने ना भाई इसको यहाँ पे लाके पटक दिया, पर गाइज इसका जो हेड टूटा हुआ है ना साइड से भाई वो कुछ ज़्यादा ही गलत सीन हो गया यार, मैं भाई क्या ही बताऊँ। ये देखो गाइज साइड से इसका पूरा हेड टूटा हुआ है, वो मतलब जब ब्लास्ट हुआ था ना इतना बड़ा उसी के चक्कर में इसके साथ बेचारे के साथ ऐसा कुछ हो गया। और गाइज आप लोग को एक चीज़ पता है
भाई अपना पूरा दिन आज खराब हो चुका है और उसी रिपोर्टर ने अपने से $100 मिलियन की डिमांड कर रखी है और आज का पूरा दिन अपना भाई ऐसे ही निकल गया। मतलब अपने पास अभी 4 दिन बाकी और 4 दिन के अंदर अंदर मुझे उस बंदों को $100 मिलियन ला के देने होंगे, नहीं तो भाई वो जो हमने बुड्ढे को मारा था ना और बगाटी अटलांटिक अपनी उससे छीनी थी ना, वो अपनी सारी न्यूज़ इस टीवी पे चला देगा और सारा लॉस सैंटोस के सारे बंदे माइकल को मारने के लिए आ जाएंगे। तो भाई मुझे कैसे भी करके बस अभी कल मैं इसको बेलास गैंग के लीडर को पकड़ा दूंगा और मैं कोशिश करूंगा बेलास गैंग के लीडर से एक बार करने की कि भाई प्लीज़ यार मुझे $100 मिलियन उधार दे दो। पर वो क्यों ही देगा गाइज यार, पर देखते भाई लेस्टर कोई जुगाड़ करवा सकता है। आप लोग को क्या लगता है गाइज मुझे इस बंदे के साथ क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यार। इस बंदे को मैं बेलास गैंग के लीडर को दे दूं या फिर क्या कर सकता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो चलो यार गाइस करते हैं गाइस इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छा से कमेंट भी कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Stable, oh yeah.